नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा आज आपके सामने हरियाणा के राज्यपाल को एक सीक्वेंस में लेके आई हूँ। हमारा उद्देश्य है पढ़ाई को पढ़ाई की तरह ना लेके एक हंसी मजाक में एक फिल्म की तरह याद करवाना। तो आशा है आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। तो अब हम सबसे पहले ट्रिक सुनेंगे, उसके बाद में हम सीक्वेंस में याद करेंगे। और उम्मीद है अगर आप इस ट्रिक को एक या दो बार सुन लोगे ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और जो ये ऑप्शंस आते हैं ना, तो उन्हें अच्छे से लिंक कर पाओगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखो, पहले सबसे पहले सुनोगे ट्रिक। देखो, कोई ना नरूला नाम का कोई व्यक्ति होता है, सिर्फ सपोज कीजिए ये ट्रिक है। देखो, वो ना धर्म चक्कर में फंस जाता है, जैसे कि मतलब कोई भी धर्मात्मा होता है ना, उनकी बातों में आ जाता है। ठीक है, वो उनकी बातों में आके हाथी की पूजा करने लग जाता है और वहीं पे चक्कर खा के गिर जाता है। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे हम। धर्म चक्कर में फंस नरूला, धर्म के चक्कर में फंसने के बाद नरूला हाथी के बाड़ में, जो हाथी था ना उसकी वो पूजा कर रहा था, उसी के बाड़ में गिर गया। ठीक है, और सांझ तक तपता रहा, क्योंकि किसी ने उसे देखा नहीं, तो सांझ तक तपता रहा। फिर सुबह उसके दो दोस्त होते, एक तो ब्रोनी और एक बरारी। दोनों दोस्त सुबह उसके दोस्त ब्रोनी और बरारी मंडल के साथ आते हैं, उसके पास आते हैं और देखते भी वो कहाँ गया। फिर आने के बाद मंडल के साथ आए और उसे प्रसाद खिलाया ताकि उसे परमानंद प्राप्त हो सके। और उसे ना वो फिर भी वो ठीक नहीं होता है, तो उसे प्रकाश में ले जाते हैं। प्रकाश में ले जाके उसे दवाई खिलाते हैं। ठीक है, दवाई जब उसने दवाई खाई ना, उसको होश आया, नरूला को होश आया, तो उसने देखा वो तो पहाड़ों के बीच में एक पहाड़ी के ऊपर है, और वो भी कहाँ की पहाड़ी, लंका की पहाड़ी, श्रीलंका की पहाड़ी। ठीक है, वहाँ पे उसे नारायण भगवान के दर्शन होते हैं और वो ठीक हो जाता है। ठीक है, अब जो ये हमारी ट्रिक है ना, इसके साथ हम लिंक करेंगे। देखो, सबसे पहले कौन है, धर्मवीर, धर्म से हो गया धर्मवीर। फिर है चक्कर, धर्म के चक्कर में। ठीक है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, रंजीत सिंह नरूला। नरूला का मैंने बताया था ना, धर्म चक्कर में फंस नरूला। ठीक है, तीन हो गए। फिर इसके बाद है जयसुखलाल हाथी, वो कहाँ पे गिरा था, हाथी की बाड़ में, बाड़ से हो गया बराड़, हरचरण सिंह बराड़। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, वो सांझ तक तपता रहा। सांझ तक तपता रहा मीन्स सुरजीत सिंह सांझवालिया, सांझवाले। ये वैसे तो सांझवालिया है, लेकिन हम लिंक करने के लिए सांझे बोलेंगे। ठीक है, सुरजीत सिंह सांझवालिया। इसके बाद देखो, धर्म चक्कर में फंस नरूला, हाथी की बाड़ में सांझ तक तपता रहा। ठीक है, उसके बाद में सुबह कौन आते हैं, एक तो बरूनी और एक बरारी। किसके साथ आते हैं, अपने जो मंडल है ना, जो पूरी मंडली थी ना, उसके साथ आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ना वो उसको नरूला को प्रसाद खिलाते हैं ताकि भी उसका दोस्त ठीक हो जाए। प्रसाद खिलाते हैं परमानंद दिलाने के लिए, प्रसाद खिलाते हैं परमानंद दिलाने के लिए। और वो फिर भी ठीक नहीं होता तो क्या करते हैं, उसे प्रकाश में ले जाते हैं और उसको दवाई खिलाते हैं। ठीक है, अब परमानंद से क्या था, बाबू परमानंद। फिर उसके बाद में क्या था, तेरहवें नंबर पे ओम प्रकाश वर्मा, प्रकाश से लिंक करेंगे, ओम प्रकाश वर्मा। ठीक है, उसके बाद में है दवाई खिलाते ना, दवाई है AR किदवई, किदवई से याद जाएगी, दवाई खिलाते हैं। फिर उसके बाद में कप्तान सिंह सोलंकी, कप्तान सिंह सोलंकी से मैं क्या कहता था, उसने ना जब उसको होश आया तो उन्हें कहाँ पाया था, खुद को पहाड़ी पर, जगन्नाथ पहाड़ियाँ। और कहाँ की पहाड़ी थी वो, लंका की थी ना, तो श्रीलंका। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या, सत्यदेव नारायण आर्य, तो उसने वहां पे क्या किया था, नारायण भगवान की उसे दर्शन हुए थे। तो एक बार फिर से हम सीक्वेंस देखेंगे। देखो, धर्मवीर धर्म, फिर चक्कर से होगा वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, में फंस कर नरूला, नरूला से क्या है, रंजीत सिंह नरूला। फिर उसके बाद में क्या है, हाथी, वो धर्म चक्कर में फंस के नरूला हाथी की बाड़ में गिरा था ना, तो जयसुखलाल हाथी। फिर बाढ़ से याद करेंगे, हरचरण सिंह बराड़। में सांझ तक, सांझ से हो गया सांझवालिया। और तपता रहा, गणपत देव जी तपासे, तपता रहा। फिर सुबह उसके दोस्त आते कौन कौन थे, सबसे पहले बरूनी और बरारी। ठीक है, देखो, सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी,
नौवे नंबर पे है हरि आनंद बरारी, फिर उसके बाद में धनिक लाल मंडल, ठीक है, फिर उसके बाद में है ग्यारहवे नंबर पे महावीर प्रसाद, प्रसाद से याद है उसको प्रसाद खिलाया था ना वही, फिर बारहवे नंबर पे है बाबू परमानंद, ठीक है, प्रसाद खिलाने के पास उन्हें तो उम्मीद थी कि इसे परमानंद मिलेगा लेकिन उसे नहीं मिल पाया, ठीक है, परमानंद के बाद उसे ना प्रकाश मिलेगे थे, प्रकाश में क्यों लेके गए थे ताकि उसे दवाई दे सके, दवाई से हो जाएगा, ओम प्रकाश वर्मा के बाद ए आर किदवई, ठीक है, इसके बाद में क्या है जगन्नाथ पहाड़िया, मीन्स जब उसे होश आया तो उसने खुद को कहाँ पाया पहाड़ी के ऊपर, और पहाड़ी के ऊपर उसने क्या देखा कि वो तो श्रीलंका की पहाड़ी में है और नारायण भगवान के दर्शन हुए, ठीक है, पहाड़िया से हो गए जगन्नाथ पहाड़िया और कप्तान सिंह सोलंकी सोलहवें नंबर के, और जो अब सत्रहवें नंबर के ना जो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं ना वो कौन है सत्यनारायण आर्य, ठीक है, तो अब है ना इसके बाद है इसके टाइम ड्यूरेशन की, देखो हमें ना एक तो ये याद रखना ओम प्रकाश वर्मा ना ये सबसे मिनिमम टाइम तक रहा है, ठीक है, यही याद करना कि ये मिनिमम टाइम तक रहा है, और अभी फिलहाल है सत्यदेव नारायण आर्य है, ठीक है, और ना इनके जो ये डेट ये याद करने की जरूरी नहीं है, अगर मान लो ऑप्शन में आएंगे तो हम लिंक आसानी से कर पाएंगे कि पहले कौन था उसके बाद कौन था उसके बाद कौन था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, धन्यवाद।